सलमान खान सुल्तान प्रशिक्षण सत्र के दौरान एक सही बैकफ्लिप कर रहा है। अली अब्बास जफर ने लिखा, देखो भाई सलमान खान सुल्तान प्रशिक्षण सत्र से मुझे क्या मिला। सलमान खान के सुल्तान के निर्देशक अली अब्बास जफर ने उनके प्रशिक्षण सत्रों में एक बैकफ्लिप प्रदर्शन और नीलिंग करने वाले अभिनेता के एक पीछे छोड़ने वाला वीडियो साझा किया। स्पष्ट कारणों के लिए वीडियो 50 वर्ष की उम्र में सलमान खान को खींचकर वायरल चला गया और सोशल मीडिया पर कुल 62 के से अधिक सामूहिक दृश्य संख्या है। यह वही है जो अली अब्बास जफर ने ट्विटर पर लिखा, भाई सलमान खान को देखो, मुझे सुबह 2 बजे सुल्तान प्रशिक्षण सत्र #backflip से क्या मिला। फिल्म निर्माता अली अब्बास जफर ने भी टाइगर जिंदा है में सलमान खान के साथ काम किया है और ये दोनों वर्तमान में भारत में अपने तीसरे संगठन के लिए तैयार हैं। सुल्तान भी अनुष्का शर्मा अभिनीत 2016 में जारी किया गया था। फिल्म में दोनों सलमान और अनुष्का हरियाणा के बाहर आधारित पहलवानों खेलते हैं। सुल्तान में सलमान खान ने एक पहलवान खेला। अली अब्बास जफर ने भी टाइगर जिंदा है में सलमान के साथ काम किया है। सलमान की आगामी फिल्म भारत का निर्देशन अली अब्बास जफर करेंगे। अली अब्बास जफर जैसे मेरे ब्रदर की दुल्हन और गंगे जैसी फिल्मों के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता था। हाल ही में भारत के लिए काफी व्यस्त स्काउटिंग स्थान था। वह सलमान खान के भाभी अतुल अग्निहोत्री भी शामिल हुए थे जो फिल्म के सह निर्माता भी हैं। सलमान खान की भारत 2014 की कोरियाई फिल्म का औपचारिक अनुकूलन है। ऑडिट टू माय फादर अतुल अग्निहोत्री ने रीमेक के लिए कानूनी अधिकार खरीदे। भारत में सलमान खान को अलग तरह से प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी पिछली भूमिकाओं की तरह कुछ भी नहीं, किसके बारे में बात करते हुए श्री जफर ने समाचार एजेंसी INET को बताया। यह तलाशने के लिए एक दिलचस्प प्रक्रिया है और चुनौती यह है कि उसे अलग तरीके से कैसे पेश किया जाए। मुझे लगता है कि यह सबस्क्रिप्ट और जिस तरह से हम कहानी लिखते हैं से शुरू होती है। यकीन है कि दोबारा नहीं दोहराएं जो उसने पहले से ऑन स्क्रीन खेला है और अलग तरह से हम एक चरित्र को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। भारतीय 2009 में सिनेमाघरों को हिट करने की उम्मीद है।